Good morning and assalamu alaikum class 4. I hope you all are doing well, enjoying good health and learning at homes. I am your social studies teacher Aruj Yunus, and today we are going to complete our unit 5 economics. What is meant by economics? Economy is the careful use of money resources. जैसे कि मैंने आपको examples देके इसको clear किया था कि economy का क्या मतलब होता है. अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड पैसे हैं, तो आपने वो चीज़ लेनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो. इसी तरह एक मुल्क को चलाने के लिए जब गवर्नमेंट कंट्री को रन करती है, उसकी इकोनॉमी चेक करती है, तो वो इकोनॉमी कैसे रन करती है, लिमिटेड रिसोर्सेज में उसने वो फैसले करने होते हैं कि जो मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट हो, उतनी रिसोर्सेज में वो कंट्री के लिए वो काम कर सकें, डिवेलपमेंट कर सकें अपने कंट्री के लिए. In which we studied about economic choice. Economic choice में आपको ये हमने पढ़ा था, due to limited resources, man has to select the needs that are most important and has to give up less important desires. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी important desire है, हमारी अहम ज़रूरत है, उसको हम select कर लेते हैं और जो कम अहम है उसको हम जाने देते हैं, let go कर देते हैं. For example, you have only 30 rupees and you want to buy chocolate chips. If the price of each item is rupees 30, you cannot buy both items. So you have to decide which item you like the more. Then we discussed about economic decisions and opportunity costs. Let's say your mother gave you rupees 20 to buy a book. You wish to have a pack of juice with that money, but you drop the idea of having juice and buy the notebook. To sacrifice one thing to buy other is called opportunity cost. जिसका मैंने आपको बताया था, अगर आपको 20 रुपीज़ दिए गए, आपने बुक लेनी है, तो आपकी मामा ने आपको कहा कि आपने बुक लेनी है, लेकिन आपका दिल करे चिप्स लेने का, लेकिन आप चिप्स लेने का आइडिया ड्रॉप कर देंगे. एक तो आपकी स्टडी का खर्च होगा, दूसरा आपको ऑब्वियसली घर से मम्मा से डांट भी पड़ सकती है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे. देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज. गुड मीन such things which we can see, touch and use in our daily life. Services when a person benefits other by using his mental, physical and technical abilities. Now moving towards our last topic, comparison of prices and qualities of similar items. अब आपको पता है कि आप मार्केट में जाते हैं तो कहीं पे वो चीज़ आपको बहुत सस्ती मिल रही होती है, कहीं पे आपको वो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही होती है. तो ये कंपैरिजन है हमारी प्राइसेस का, और कहीं पे क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कहीं पे उस चीज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है. अ कमोडिटी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स एंड क्वालिटीज़ इन द मार्केट. एवरी यूनिट ऑफ कमोडिटी डज नॉट हैव द सेम क्वालिटी एंड प्राइस. फॉर एग्जांपल, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिप्स एंड स्वीट्स इन द मार्केट, बट देयर प्राइस एंड क्वालिटी विल बी डिफरेंट. द प्राइस ऑफ हाई क्वालिटी चिप्स एंड स्वीट्स विल बी हाई, वेयर एज द प्राइस ऑफ लो क्वालिटी आइटम्स विल बी लो. जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि हर चीज़ की प्राइस एक जैसी नहीं होती, क्वालिटी भी एक जैसी नहीं होती, यानी कि वो चीज़ कितनी अच्छी है, कितनी मतलब अच्छी नहीं है, वो डिफरेंट होती है हर चीज़ की क्वालिटी. सिमिलरली, गुड क्वालिटी ट्रांसपोर्ट विल रिसीव हायर रेंट. गुड क्वालिटी क्लोथ विल बी ऑफ हायर प्राइस, वेयर एज लो क्वालिटी क्लोथ विल बी अवेलेबल एट लोअर प्राइस. यानी कि अब अगर हम किसी कपड़े की एग्जांपल ले लें, जो बहुत अच्छी क्वालिटी होगा उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली हाई होगी, और अगर किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली हमें कम प्राइस में अवेलेबल होगा. क्लियर माई डी स्टूडेंट्स, हैव वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट इकोनॉमी. सो यू हैव टू डू द रीडिंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स. In next video lecture, we will do its question answers. Till then, take care of yourselves. Hala Hafiz.